अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देसी व्लॉग्स। एक बार फिर आपको वेलकम करता हूं जनाब, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज की जो वीडियो है जिस पर हम जा रहे हैं, जो टूर करने जा रहा हूं, वो जो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो है जी गंदम की फसल की थ्रेशर लगने का अमल, उसके अंदर से दाने कैसे निकलते हैं वो वाला अमल है जी। दाने गंदम की फसल आपको दिखाई थी पहले, इसके बाद दाने निकालने का अमल है वो आज दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो देखते रहिएगा देसी व्लॉग्स, एंड तक वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको जनाब। तो चलते हैं फिर वीडियो में, चलते हैं आज देखते हैं कि कैसे निकलते हैं दाने, प्रेशर कैसे निकलती है, ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फिर वेट क्यों कर रहे हैं, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थाना के विखाया सी कणक की कटाई का अमल, तो यह वेखो थ्रेशर और दाने निकलन का अमल है। थ्रेशर लगी है इतने, काफ़ी शोर है जनाब इसके, थ्रेशर ट्रैक्टर से चल रही है सारा, वह गंदम का बाकी छिलके वगैरह लकड़ी वगैरह का पीस बन के इस तरह है, बिल्कुल आटे की तरह कर दिया जाता है। यह चारे के लिए इस्तेमाल होता है, उधरों लिया के आते हैं गंदम के, जड़े बंडल जे पाते हैं फिर ये बेचा। वेखो जी सारा पाया जाता है और थलियों उधर दाने निकलते हैं, दाने फिर कट्ठे किए जाते हैं। बहुत धूड़ वाला अमल है, असं अगे गए हमने कोलू, मैं वापस आ गया जी, बहुत धूड़ है, जाहिर है मिट्टी सारा बेच ही, कोशिश करो इतनी गुजारा चलाओ। हम मैं कोशिश करना जनाब थोड़ी देर तक, फिर अगे तुम मजीद विखाइए किस तरह जाती है गंदम बिच पा के कितों जाती है, तुहानू थोड़ा ब्रीफली विखाव, थोड़ी देर तक कोशिश करने एक बार फिर। फिलहाल है वेखो जी सारी तूड़ी आख्या जाता, इकट्ठी की जाती है, बाद चारे के तौर पर इस्तेमाल होंगी है, जानवर वगैरह खा खुवाते हैं, वो थानू इतने नज़र शायद आ रहा हो। वेखो जी वो वापस निकल रही है बाहर तोड़ी, बाकी दाने थले उस साइड से दूसरी साइड से निकलते हैं, तोड़ी इधर तो इकट्ठी हो रही है इतने, मजीद जनाब एक बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर तक, हिम्मत मारी है फिर एक बार। वेखो इतने बाकी प्रोसेस है, थ्रेशर लग दी सारा प्रोसेस। ए बाद एक होर बड़ी मजे की चीज़ मैंने नज़र आई है इतने, मैं आख्या तुम्हें भी खाने है जी, जो फसल कट ली जाती है ये फिर थले कुछ रह जाते हैं दाने सिटे वगैरह, यह वेखो जिमें रह जाते हैं, तो इन्हों फिर जो छोटे बच्चे लगे ने वेखो यह चुग के गठुआ च पा के जनाब लैके जाते हैं, इन्हों की यानी कि एक समझ लो आमदन का जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम इन्हों, तो यह बड़ा इन्हों एक जाहिर इंट्रस्टिंग चीज़ इन्होंने मजे की, माशाल्लाह गट्टू शट्टू भरे इन्होंने अद्धे अद्धे कर ले, देखो उधर लगी है थ्रेशर, इधर अपने काम तो लगे हैं, इतने इन्होंने सारा साफ कर दिता थले, ठीक है जनाब फिर वाओ इंदर वो देसी व्लॉग्स, बड़ा मजा तुम खावे हली, तो तुम क्रॉप्स वगैरह इन टाइप बुखार है, अगर बहुत कुछ तुम खावे हली तो शुरू किया है, हली जाहिर है अजकल इस चीज़ का मौसम से, मैं तुम यही चीज़ा विखाइए पहला, फिर बाद मजीद भी चीज़ा और भी बड़ी इंट्रस्टिंग जी विखावे, इंशाल्लाह मजे करोगे। आए जनाब चलने फिर रविंदर वो देसी व्लॉग्स जनाब, कल असं तुम विखाया थ्रेशर तो निकलता, अज दाने निकल आना, वेखो ट्राली तो जा रही है, बड़ा मज़े का भी प्रोसेस है, ट्राली तो जल्द लैके जाना, गंदा बड़ा मज़ा आता है, उसे बैठे हैं
ट्रैक्टर से जा रही है जी, तो ओनर साहब साढ़े नाल ने पुछने, डर भी लगता कि थले में जा पी, तो पुछने जी सुनाओ जी की हाल है। जटा की जी होंगी उम्मीद पूरे साल की, जो कणक निकलती है दाने निकलते ने, आने हम फुल हो गए जनाब, रज गए जट, मेहनत करता छे छे महीने, पानी लाता, स्प्रे करता, वाडिया होंगे ने, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, फिर अल्लाह पाक जी को फल दिंदे ने, फिर जट खुश हो जाता जी, उन्होंने मेहनत का सोहना फल लगता ना। सही है, फिर जो कभी हुकूमत आगे कर जाने ने, फिर जटा गुस्सा नहीं आता, असं इन्नी मेहनत करने, अभी पूरे मुल्क में खवाने भी हाँ, तो फिर भी हुकूमत सू सपोर्ट नहीं करती, तो फिर जट नाराज भी घट बनता जटा का जी नाराज हो, चुकते हैं पता लग गया कि गट्टू चुके जाते हैं। हाँ जी जनाब, मैं तुम्हें आख्या ट्राली का भी सफर तुम खाइए, बड़ा मजा पे आता है, हम कोशिश कर रहे तुम भाइया नाल बच्चे भी हैं जी, तो वेखो जी काफ़ी जंपा ने चवाई है ट्राली, इतने ट्रैक्टर साहब जा रहा, वेखो जी ऐ बच्चों पूछने जी, मज़ा आया जनाओ सुनाओ जी, मज़ा आया रोज तुम आते रोज जाइए, सुनाओ जी मज़ा आया, आओ जी तुहानू तुसी दसो तुहानू मज़ा आया, मैनू तो जनाब बड़ा मज़ा आ रहा, तो चलो ठीक है जी, फिर तुहानू चलने हुण वापस, एवें ना थले ना जा पाइए वीडियो बनाते बनाते ही, ठीक है जी, फिर विंदर वाल देसी ब्लॉग। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए जी जन्म के थ्रेशर से, कैसा लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आज का टूर और मज़ा आया जनाब, हमें तो मज़ा आया जनाब, थक गए हैं बहुत, दूर थी और गर्मी, तो जनाब आज की वीडियो से बस इजाज़त दीजिए जनाब, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है, बहुत जल्द देखते रहिए देसी व्लॉग्स, इंशाल्लाह वी विल मीट सून, ओके बाय।